नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन। मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज NCR का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों से। फरीदाबाद और गुरुग्राम में बढ़ सकते हैं अब दूध के दाम। पलवल में KGP एक्सप्रेसवे पर ट्रक की टक्कर से एक की मौत, कई हुए घायल। जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ सफल समापन। SDM पंकज सेतिया ने जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा किया बाल सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ। फरीदाबाद NIT क्षेत्र में हुए जिम ट्रेनर और युवती हत्याकांड में शामिल चारों आरोपियों को CIA DLF ने किया गिरफ्तार। नशे की लत ने बनाया चोर, आरोपी के कब्जे से मिली 4 मोटरसाइकिल बरामद कर क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 ने किया गिरफ्तार। अब नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों की। दादरा और नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की मुंबई होटल में मिली लाश, सुसाइड की है आशंका। बंगाल में आज रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया PM मोदी ने, मेट्रो रेल को भी दिखाई हरी झंडी। प्याज ने फिर रुलाए महंगाई के आंसू, दिल्ली में पहुंचा 65 से 70 का भाव। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर साइकिल चलाते नजर आए रॉबर्ट वाड्रा। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 2.5 साल तक जेल में रहे 81 वर्षीय कवि वरवर राव को मिली जमानत, 6 महीने रहना होगा मुंबई में। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की। बिग बॉस 14 की विजेता बनी रूबीना दिलैक, राहुल वैद की हार से दुखी हुए फैंस, कहा पहले से सब कुछ फिक्स होता है। टिकटॉक स्टार समीर गायकवाड़ ने की आत्महत्या, पंखे से लटका हुआ मिला शव। अब नजर डालते हैं खेल जगत की। न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में नीलामी के दौरान अनसोल्ड रहे प्लेयर्स ने न्यूजीलैंड को जिताया। पिंक बॉल टेस्ट में पहली गेंद फेंकते ही कपिल देव क्लब में शामिल हो जाएंगे ईशांत शर्मा। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की। इसराइल की रिसर्च में खुलासा, फाइजर कंपनी की कोवैक्सीन ने 99% रोका कोरोना वायरस का कहर। गलवान घाटी में मात्र 4 PLA सैनिकों के मारे जाने पर उठे सवाल, 3 चीनी ब्लॉगर हुए अरेस्ट। नाइजीरिया में रविवार को हुआ सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोगों की मारे जाने की खबर। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप हमें YouTube, Facebook, Instagram या Twitter पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें न्यूज NCR।